back to my channel again. Good morning to all of you. आपको पता है अभी कितने बजे हैं? नहीं. पौने पांच. अभी इतनी अर्ली मॉर्निंग है ना कि बाहर अंधेरा है. वो क्या है ना कि आज वो आने वाले हैं. हम आज सेलिब्रेशन करने वाले हैं. अभी मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद. A few moments later. आज का नाश्ता दाल पकवान. One hour later. हम लोग जा रहे हैं कुछ क्या लेने जा रहे हैं? डेकोरेशन मटेरियल सेलिब्रेट करने वाले. मैंने आपको बताया था ना 100 की सेलिब्रेट करने वाले, तो उसके लिए हम लेने जा रहे हैं. से देखा यहाँ पे उनके लिए बन रहा है दम आलू. आज स्पेशल कुछ बनाना था तो मैंने सोचा कि दम आलू बनाते हैं. इसमें दम आलू है, इसमें पुलाव है और स्वीट अभी आएगा. अभी बन रहा है खाना. ટ્રાયપોડ તમને બતાડું કેવી રીતના એને સેટઅપ કરવાનું. Hi. Jin. Handsome. Sugar. Nice to meet you guys. Where is my J-Hope? Where is my J-Hope? Hobby-Oppa. Your Hope, you're my Hope, I'm J-Hope. યાર જીમિન કેટલો મસ્ત છે. વાવ, હે, નાઇસ મીટ યુ, આઈ એમ જીમિન. જીમિન 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 જંકુ. હાય. એન્ડ ટુ યુ. આઈ એમ ગુડ બોય. સેચા ગિફ્ટ હોય નહી સકતા. વાવ, ટીશર્ટ મોડેલ. વાવ,
यार क्या है यहाँ पे वो मस्त है वाओ यार अनएक्सपेक्टेड है तुम्हारी मटिया किधर ना यार तुम एक्सपेक्ट ना कर वाओ Aditya ji, hello Jimmy. Okay, Aditya. Wow. ये वही चॉकलेट है जो वो पहली बार आए थे ना तब वो मेरे लिए लेके आए थे मेरा पहला प्यार पहला प्यार मारी बाजू बता मार चैनल से इट्स माय यूट्यूब चैनल माय ट्राइपॉड ये मारो गिफ्ट है तो मैं मारा है तो क्वेश्चन करो और पहली बार क्यों मारा था अहिया चैनल कैसे होता हेलो ना रिस्पेक्ट बस हाँ नहीं ये आज नहीं बनेगा नेक्स्ट व्लॉग में बर्थडे व्लॉग हिंदी माँ बर्थडे व्लॉग में तो भी तो क्वेश्चन क्या पूछ इमने करो बद्दू लाई ले बद्दू लाई ले कॉपीराइट क्लेम करे ट्रू ओके टेक टू नो हम पहली बार कैसे मिले थे पहली बार ये क्वेश्चन इनका नहीं आप लोगों का है इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे हर एक के रिलेशन એવું મોટું નોર્મલ જબ વો પહેલી વાર આયે થે તબ મેને નહીં દેખા થા ઇનકો મતલબ મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ નહીં થી ઇસલિયે તો પહેલે સે મેં મના હી બોલ રહી થી કી અભી નહીં અભી મુજે કુછ સોચના હી નહીં હૈ બટ ઇસકે બાદ મમ્મી પાપા ને ભી બોલ થા બોલ સકતી હું મેરે મમ્મી પાપા ને બોલા થા કી બહોત અચ્છા હૈ ઓર બહોત હી અચ્છા લડકા હૈ એસા બોલા થા तो मैंने कहा देखेंगे फिर हम फार्म पर गए थे इनके मैंने कहा यार ही इज अ जेंटलमैन थैंक यू और थैंक यू नहीं तो मैंने कहा कि ही इज अ जेंटलमैन और तब मैंने सोचा और मैंने देखा खुद भी महसूस किया कि इज जेंटलमैन और ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी और अब अगर बताएं कि हम दोनों मिले कब थे तो ये जब हमारी सगाई होने वाली थी तब सब कुछ डिसाइड होने हो चुका सगाई हाँ, मतलब
पहले से डिसाइडेड था, बट कब होना है ये कुछ डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि ये मेरे एक्चुअली कब होना है वो डिसाइड था, कहाँ होना है वो डिसाइड करने हम लोग ही थे। हाँ कट मुसू बोले हम बोले कि क्या रेकर सुनी डिसाइड करो सॉरी। तो क्या थी वो हम पहली बार कैसे मिले हम दोनों। हाँ हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे, आप वहाँ पे ज्यादा टेंशन मत दो, थोड़ी स्माइल रखो, आपड़े आपड़ी बात करें। तो पहली बार हम कब मिले थे, जब सगाई होने वाली थी वो डिसाइड हो चुका था। हाँ। और कहाँ करना है कैसे करना है वो सब डिसाइड करना बाकी था, तब ये लोग घर पे आए थे हमारे, और तब हम दोनों एक दूसरे से मिले पहली बार। इतना ज्यादा वाला अरेंज था कि जब सगाई होने वाली थी, जब सब कुछ डिसाइड हो रहा था, तब हम दोनों मिले थे, है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना बिल्कुल भी इस सब चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, पर इससे पहले ना ये मेरी लाइफ में आए, इसके थोड़े टाइम पहले से ना मैं टेरो रीडिंग बहुत देखती थी, फ्यूचर स्पाउस के स्पेशली, पता नहीं क्यों, बट बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि पता नहीं कौन होगा कैसा होगा, तो मैं उसमें सब कुछ देखती थी कि फर्स्ट मीट कैसी होगी, ये पर्सन कैसा होगा। कि हमारी फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, उसमें था कि पहली बार आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो वो फैमिली सिटिंग होगी, जब ये पहली बार आए थे तब मेरी फैमिली थी, इनकी फैमिली थी, तो फैमिली सिटिंग होगी, फिर डे का टाइम होगा, कॉमेडी करे यार हमने वीडियो नहीं था ये मम्मा ने इनके लिए बनाई है, इनको बहुत पसंद है ना सुखड़ी इंडियन टाइप पर तुक्के में रोमांटिक कर रहे थे ना ना हाँ बोल बोल देखिए कुछ क्या। और मैंने टेरो रीडिंग में देखा था कि वो दिन कैसा होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो मैं थोड़ा सा बिलीव करती थी उस टाइम कि हाँ मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती हमें वो चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, तो तब मुझे ऐसा होता, मैं ये नहीं सोचा था कि अभी एक साल में हो जाएगा, मुझे ये मेरी समझ से भी बाहर की चीज़ थी, मैं ऐसा ही सोच रही थी कि एक दो साल के बाद होगा, बट पहले से ही वो कहते हैं ना ऊपर वाला हमें साइन देता है कि ये होने वाला है, हम सिर्फ समझते नहीं, बट इसलिए मैं बार बार वो चीज़ देख रही थी फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा क्या होगा, तो उसमें था कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे उस दिन बारिश होगी, और वो बारिश सिर्फ यही पे हुई थी। जब मैंने पापा से बोला था कि मैंने मम्मा से बोला था, तो पापा ने ये बोला कि सिर्फ इसी एरिया में हुई है, यहाँ से दूर जाते हुए यहाँ पे कहीं बारिश नहीं हुई थी। फिर मैंने ना मैंने मम्मा से शेयर किया कि मम्मा मैंने टेरो रीडिंग देखा था, उसमें फ्यूचर स्पाउस का जो भी था उसमें ये बताया था कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो क्या क्या होगा, और वो सब सारी चीजें हुई थी जब ये आए थे एज इट इज। मुझे पता है हर कोई बिलीव नहीं करता, बट मैं अब करती हूँ बिलीव, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें थी एकदम सिमिलर है। और मैंने आपको बताया था, पता है उसमें ये था कि आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा उसका फील्ड कुछ ऐसा होगा जिसमें वो बहुत ट्रैवलिंग करता होगा। एंड लुक एट होती है जब मैचेस होती है तो इनको हर जगह पे जाना पड़ता है। कहाँ कहाँ गया? बॉम्बे, दिल्ली, गोवा। तो इसी तरह उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें ये भी था। I share this
मेमरीज विथ यू बिकॉज बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि दी आपके बारे में कुछ पता है, ऐसा बहुत कुछ है बट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया जो जो कि ये लोग जानना चाहते थे. सो मैंने arranged स्वीट एंड शॉर्ट करके आपको बताया. थैंक यू सो मच. शूटिंग करने के लिए आए हैं, जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग किया हुआ था वो बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, बट उसमें आगे फिर मैंने रिकॉर्ड कर दिया था बट शूटिंग नहीं करवाया था. तो अभी ये भी आए हैं, तो हमने सोचा कि मुफ्त का एक मॉडल मिल ही रहा है तो फिर क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए. तो फिर मैंने सोचा कि कुछ शूट करवा लेती हूँ, तो ये आए हैं. तो वो सॉन्ग मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए सरप्राइज होगा. हम आए हैं रवि स्टूडियो में. अंकल जो जिन्होंने दीदी की वेडिंग का भी किया था रवि स्टूडियो, मैं आपको नहीं बताती हूँ. यहीं पे करवाते हैं सारी शूटिंग, बहुत ही अच्छा होता है उनका. रवि स्टूडियो में करवाती हूँ मैं अपने सॉन्ग्स के भी और दीदी के वेडिंग के जितने भी वीडियोस हैं, हमारे एंगेजमेंट की जो भी वीडियोस हैं वो सब कुछ उन्होंने शेयर किया. मेरे मम्मी पापा भी आए हैं साथ में, हर बार आते हैं. आदित्य राज सिंह राठौर जो शायद बैकअप प्लान के लिए मॉडलिंग को ले सकते हैं क्रिकेट के बाद. अभी हम लोग केक का ऑर्डर लेके आए थे, अभी हम जाएंगे लेने. Dale, cabrón.
Oh, party, party, yeah. Thank you so much, everyone. So much, everyone, together. We killed it together. Yes. Thank you so much. Thank you so much for your love and support. आप जितना प्यार मुझसे करते हो उतना ही मैं भी आपसे करती हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत प्यार मिला है आप सबका. मैंने पहली व्लॉग जो डाला था उसमें भी बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. सो मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग मैंने सोचा कि 100 के सेलिब्रेशन का मैं डालती हूँ. तो ये भी आए थे तो हमने ये सेलिब्रेट करवाने के लिए ही आए थे. तो हमने सोचा कि आज का व्लॉग भी बना देते हैं जैसा कि आप सब चाहते थे कि नेक्स्ट व्लॉग आए. सो ये आपके लिए. थैंक यू सो मच. 1:37 लेट उनका मैच प्रेशर वाला था लेकिन हम लोग जीत गए. इसलिए हमने देखा था ऑनलाइन स्कोर. मैसेज आया था मम्मा का. अभी कल तो प्रैक्टिस होगी ना. हाँ कल परसों प्रैक्टिस है फिर 9, 10 और 11 को मैच. ऑल द बेस्ट. वेडनेसडे फ्राइडे. चलो मत सुनो. ओह यार चलो जाना. बीजी बात पूछो. स्टार्ट करो. ये तो क्यों भावना बाय. बाय मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में. मेरा नेक्स्ट कवर सॉन्ग भी आने वाला है. इट्स कमिंग सून. सो बस आप इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें. थैंक यू सो मच. बाय.